हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम मसाला। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए इसे बनाना कैसे हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम कर लिया है, इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल और ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। अब हमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून जीरा, पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 1 सूखी लाल मिर्च। 1 चम्मच हम ऐड करेंगे अदरक और लहसुन, जिसे मैंने क्रश कर लिया है। अब ऐड करेंगे प्याज, बड़े प्याज को मैंने कट करके ले लिया है। प्याज को मिक्स करके मैं 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। 3 मिनट मैंने प्याज को पका लिया है। अब हमें इसमें ऐड करने हैं मसाले। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे हम 1 बड़ा टमाटर का प्यूरे और इसे मैं फिर से 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी। तो 3 मिनट तक मैंने टमाटर का प्यूरे डालने के बाद इसे पका लिया है। तो अब मैं ऐड करूँगी फ्रेश मलाई 1 बड़ा चम्मच और 2 चम्मच हम ऐड करेंगे काजू पाउडर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे सब्जी में। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मशरूम, मिक्स करेंगे। मशरूम और सब्जी को पकने के लिए मैं इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लूँगी। 4 मिनट हो गए हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा पानी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, मिक्स करेंगे। अब मैं इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक फिर से पका लूँगी। 3 मिनट हो गए हैं। तो सब्जी अपन के तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। गर्मा गर्म मशरूम मसाला बनके तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है मसालेदार मशरूम। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें राइस, रोटी, पूरी, पराठा या फिर नान के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।